गाइस, इफ यू हैव टू स्पीक सच सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि भाई ये किताब महंगी कम और फायदेमंद ज्यादा, अगर आपको बोलना है कि फल ताजे कम और महंगे ज्यादा है, अगर ऐसी बातें आपने बोलनी है कि तुम्हारा दोस्त बातूनी ज्यादा और बुद्धिमान कम है, तो कैसे बोलेंगे? गाइस, आई हैव गॉट अ स्ट्रक्चर फॉर यू पीपल, आई एम आउट द स्क्रीन, मेक अ गुड नोट ऑफ इट। इट सेज आपने पहले लिखना है गाइस सब्जेक्ट एंड देन यू राइट वर्ब, मोर और लेस आपने लिखना होगा, क्वालिटी नंबर वन देन एंड देन क्वालिटी नंबर टू। इसे आप ऐसे समझेंगे, आई हैव गॉट सम एग्जांपल्स फॉर यू पीपल। Look at the board now. वह लंबा, कमर मोटा ज्यादा है। This sentence can be spoken in two ways. The first one says, पहला तरीका इसे बोलने का ये होता है, he less tall than fat. और हम इसको बोल सकते हैं क्या, he is more fat than tall. और second example आपके लिए, यह टेबल रेड कम और ब्राउन ज्यादा है, दिस टेबल इज लेस रेड देन ब्राउन, और दिस टेबल इज मोर ब्राउन देन रेड। आई होप यू गाइज हैव गॉट दी एग्जाम्पल्स। एक और देखें, तुम्हारा दोस्त बुद्धिमान कम और बातूनी ज्यादा है, योर फ्रेंड इज लेस वाइज देन टॉकेटिव, और योर फ्रेंड इज मोर टॉकेटिव देन वाइज। दिस इज गाइज इन नहीं इज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टॉम का क्वेश्चन अच्छा कम और खराब ज्यादा है, जॉन्स क्वेश्चन, सॉरी टॉम का नहीं, जॉन का क्वेश्चन है, जॉन्स क्वेश्चन इज मोर सिली देन इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग इट, ये इसे बोलने का पहला तरीका है। सेकंड क्या होगा गाइज, ये आप मुझे बताएंगे। और एक और सेंटेंस मैं आपके लिए बोल रहा हूं, वो ये है कि यह वीडियो यूजफुल ज्यादा और टाइम वेस्टिंग कम है। हाउ वुड यू स्पीक दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश?